नमस्कार साथियों, आइए कमाते यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है अजमेरा फैशन से अजय जी, जिन्होंने अपनी 2 लाख रुपए की सैलरी छोड़कर अपना करोड़ों का व्यापार खड़ा किया है। आज के इस एपिसोड में हम जानकर लेंगे कि आप भी कपड़ों के व्यापार से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट में तो बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि लघु उद्योग की वीडियो में लाते रहता हूँ, तो कपड़ों का ही व्यापार लोगों को क्यों करना चाहिए? सर, सबसे नीडफुल आइटम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कपड़ों में भी आप अगर लेडीज़ के कपड़े देखते हैं ना सर, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है ये। आज एक लेडीज एक फंक्शन में कोई साड़ी पहन लेती है तो दूसरे में वो उसको यूज़ नहीं करना चाहती, बोलेगी तो सबने देख ली अब तो नहीं चाहिए। तो एक नीडफुल आइटम है। और अलमारी खोल के आप देखिए, आपके और मेरे 5-7 पैंट शर्ट 10 जोड़ी मिल जाएंगे, लेकिन लेडीज़ की साड़ी खोल के आप देखेंगे ना तो उसमें कम से कम 50-100 साड़ियाँ मिलेगी सर। इसकी मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि 25,000 में व्यापार शुरू कीजिए, जो कि यहाँ 25,000 का माल खरीद लेगा, अपने गांव लेके जाएगा, तो पहले से ही 4 लाख 5 लाख लेकर बहुत सारे लोग अपना शॉप खोल चुके हैं जी, तो 4-5 लाख के सामने 25,000 वाला टिक पाएगा? एक्चुअली क्या है, यहाँ से डीलर को कपड़ा जाता है, डीलर के बाद फिर होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, तो रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते कपड़ा एक्सेस उसके ऊपर भार चढ़ जाता है, उसके ऊपर महंगा हो जाता है कपड़ा, तो और हम देते हैं डायरेक्ट रिटेलर को सर। तो डायरेक्ट रिटेलर ने जब हमसे लिया है तो वो सस्ता बेचकर ज़्यादा कमा सकता है और सस्ता बेच भी सकता है, दोनों चीज़ उसके लिए अच्छी है। यानी 25,000 वाला उसको कॉम्पीट बिल्कुल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर। अगला सवाल है कि आपसे बेहतर कोई बताएगा नहीं, जिनकी शॉप अभी नहीं चल रही है और जो जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है जी, तो उनके लिए क्या टिप्स है शॉप चलने के लिए? सर, थोड़ा तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, लोगों तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल अपनी पहुंच लोगों तक बनानी पड़ेगी आपको, जरूरी है सर। आप अगर छोटा सा घर में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू की सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं उन तक अपने आप को पहुंचाइए। बहुत छोटे छोटे जरिए हैं, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना दीजिए आप 15 लेडीज का, उसके अंदर आप अपने आपके फोटोज वगैरह सब डालिए, आराम से बिजनेस चलेगा सर। सूरत में इतने सारे शॉप है, हाँ जी, इसमें नंबर 1 पे अजमेरा चलने की क्या बात है, जो कि हमारे दर्शक भी जान सके और उनका जो बिजनेस है उनके गांव में उनको एक टिप्स? सर, अजमेरा नंबर 1 अजमेरा नहीं है, अजमेरा को बनाने वाले नंबर 1 है सर। इन लोगों की मेहरबानी है, इन लोगों का आशीर्वाद है, इन लोगों का प्यार है सर, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से अजमेरा नंबर 1 है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं, हमको तो जो करना है वो कर रहे हैं सर, लेकिन इन लोगों ने, इनके प्यार ने हमें नंबर 1 बनाया है। और हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो कि कपड़ों के व्यापार में तो आना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आने से डरते हैं कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सेफ जोन छोड़ के थोड़ा तो बाहर निकलना पड़ेगा सर, कोई भी बड़ा काम करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क अगर नहीं लेंगे, सेफ जोन छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, आज तक आपको जो करते आए हैं तो आपको आज तक जो मिलता है वही मिलता रहेगा, उसके लिए कुछ अलग एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे सर। यानी रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कपड़े के मार्केट में ही रिस्क लीजिए, कोई भी व्यापार, कोई भी काम आपको अगर अच्छा लगता है और आपके पास कोई साधन है उसको करने का, तो आपको करना चाहिए, 100% करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। और एक सवाल, बहुत सारे लोगों को सेलिंग की दिक्कत आती है, जब शॉप डालते हैं तब माल सेल नहीं होता है, तो कपड़ा बेचने की क्या वो टिप्स है जो आपने अपनाई है, वही बता दीजिए। सेल्समैनशिप, देखिए, कपड़ा बेचने के लिए ही नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सेल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्स के लिए हमेशा आप अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए, कहीं भी आप YouTube के वीडियोस देखिए, इतने मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं, एक से एक क्लासिकल, आप बुक्स रीडिंग कीजिए, कोई भी बिजनेस सेल के अलावा कुछ नहीं है सर, हर चीज के अंदर सेल सामने आती है तभी वो काम, वो व्यापार बढ़ता है। यानी दिमाग तो लगा दिमाग करना चाहिए, दिमाग बिल्कुल, आप अपने दिमाग को डेवलप कीजिए और उसके ऊपर ब्रेन पे खर्चा कीजिए। आप लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, लोग कितनी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं कहता हूँ हर चीज में इन्वेस्ट किया हुआ क्रैश हो सकता है आपका, लेकिन ब्रेन पे इन्वेस्ट किया हुआ आपका कभी भी क्रैश नहीं हो सकता है, वो आपको गेन देकर ही जाएगा। आपके बिजनेस से तो हमें पता ही चल रहा है, अब आपके बारे में बताइए कि आपने 2 लाख की जॉब छोड़ी, फिर इतना करोड़ों का अपना व्यापार शुरू किया, कैसे क्या हुआ? बस वही है,
बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर एक मन में थी कि कुछ लोग नौकरी और छोकरी के पीछे भागते हैं, बस इतना ही आपको तो 2 लाख रुपए की सैलरी नहीं, वो कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल बहुत बड़ी अमाउंट है, और आज के 8 साल पहले और भी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। आज चलिए वैल्यू नहीं है 2 लाख की कोई, लेकिन जिस समय मैं कर रहा था उस समय 2 लाख रुपए की खूब वैल्यू थी सर। तो क्या रीजन है बिजनेस में आने का 2 लाख? मैंने जैसे कि आपके पहले या दूसरे क्वेश्चन का आपको जवाब दिया कि सेफ जोन, मैं चाहता तो वहीं रह के भी आराम से अपना काम चला रहा होता सर। चल रही है नौकरी मजे से, ठीक है 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा हर साल, लेकिन नहीं, मुझे 2 लाख तक सीमित नहीं रहना था। मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, मैं 2 लाख की नौकरी छोड़ के सर मेरे व्यापार के अंदर आया, मेरे व्यापार के अंदर पोजीशन अच्छी चल रही थी, लेकिन नहीं, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक, वहाँ पर मुझे रुकना नहीं है सर, उससे आगे जाना है, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा ये सोच के रखा हुआ है। तो मैं आज कामयाब हूँ और आगे भी, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ सर, मैं इससे आगे और जाके चले जाऊंगा। यानी सेफ जोन से बाहर निकल कर काम करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए, बिल्कुल आपको सेफ जोन छोड़ना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आप आज 10,000 कमा रहे हैं तो आपको सपने 50,000 के देखने चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल, देखिए नौकरी में क्या होता है सर, आदमी 2 लाख रुपए कमाता है तो वो लाख के हिसाब से खर्चा करता है, 2 लाख कमाता है तो 2 लाख के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा लेता है, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये ले लिया, EMI चालू हो गई है, तो सर पैसा बच नहीं पाता है। और एक बिजनेस ऐसी चीज है सर, नौकरी में लिमिटेशन है, 2 लाख की 3 हो सकती है, 3 की 3.5 4 हो सकती है, बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, कौन सा झटका आपको कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं है सर। दोस्तों कपड़ों का डेडिकेशन आपका 100% जरूरी है। तो अगर आप कपड़ों का व्यापार अगर देखते होंगे, आपके गाँव का कोई व्यापारी है उसका घर उसका बंगला देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में कितना पैसा है। सर मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, टाटा को देख लीजिए कपड़े से शुरू हुआ, बिड़ला को देख लीजिए कपड़े से शुरू हुआ, अंबानी को देख कपड़े से शुरू हुआ, ये 3 नाम मेरे ख्याल से किसी देखने की और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, आज कौन नहीं जानता है, तीनों की शुरुआत कपड़े से। ये देखिए ये पूरी सिल्क की साड़ी है, इसमें कलर्स और सब अलग अलग रेट वाइज आता है सर, ये कलर रेट वगैरह सब अलग अलग रहते हैं, काफ़ी डिज़ाइन सब है, बहुत ही सुंदर साड़ी। स्टार्टिंग रेंज क्या है सर इसका? सर स्टार्टिंग रेंज इसमें 150 से शुरू होके 3,000 3,500 रुपये तक की रेंज आती है। 3,500 तक? हाँ जी। तो अभी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि भाई कोई 100 की चीज़ है उसे 300 में बेचना है तो कैसे क्या सेल कर सकता है वो? देखिए ऐसे 100 की चीज़ 300 में नहीं बिकती है सर, आजकल कस्टमर को सब चीज़ पता रहती है सर जो यूज़ करता है, एक रिजनेबल मार्जिन आपको लेके बेचना है और उसी में बिकेगी कोई भी चीज़। आपने नीचे बताया था 20% 30%। बिल्कुल बिल्कुल, 25 से 30% घर से बेच सकती है, और अगर अच्छा शोरूम बना रखा है आपने बहुत बढ़िया, तो फिर वहाँ पे 100% तक प्लसों की बिक जाती है, 100 की 300 में कभी नहीं बिकती है, वो सब यूट्यूब में दिखता है, हवा में बातें हो, हवा में बातें हैं सर। नेक्स्ट दिखाइए जी सर, ये हमारा सूट का सेक्शन है सर, पूरा सूट है यहाँ पर, बिल्कुल पूरा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर, तो सूट का सेक्शन है, मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए इस तरीके से कलेक्शन आता है सर, कैमरे के सामने दिखाइए सर। इसका स्टार्टिंग रेंज सर सूट में हमारे पास 100 रुपए से रेंज स्टार्ट है, और लगभग ये समझिए 4,000 साढ़े 4,000 रुपये तक का सूट आपको मिलेगा हमारे पास में, पूरा हैंडवर्क वगैरह का भी सूट है, काफ़ी अच्छा है, कलेक्शन में आपको दिखाऊंगा, वीडियो में ज़्यादा तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। ठीक है सर, ये जो सूट है मैं ये हाथ में लिया हूँ, अब ये कॉटन का है, 100% कॉटन का सूट है, ये इसके अंदर ये फोटो लगी हुई है, देखिए ये इस तरीके से आता है, पूरा पहना हुआ ऐसा दिखाई देगा, इसकी अलग अलग मैचिंग आती है, 4 कलर आते हैं, किसी में कलर आते हैं और किसी में कैटलॉग आता है, कैटलॉग आता है तो डिज़ाइनें सब अलग अलग रहती है, 10 डिज़ाइन का एक कैटलॉग है तो 10 डिज़ाइन अलग रहेगी, 10 कलर अलग रहेंगे। कैटलॉग से एक आराम क्या हो जाता है सर, एक लेडीज़ जो घर से बिजनेस चालू कर रही है वो अगर 10 कैटलॉग ले लिए तो 100 पीस के अंदर उसके पास 100 कलेक्शन हो जाएगा, रिटेलर के लिए इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है, एक 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 पीस के लिए भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है?
25,000 से शुरू कर सकती है एक लेडीज घर से अगर चाहे तो आराम से और बहुत अच्छे से कर सकती है सर। प्रिंटेड के ऊपर वैल्यू एडिशन आता है, वैल्यू एडिशन मतलब प्रिंट साड़ी जो होके आती है उसके ऊपर बॉर्डर वगैरह लगे हुए रहते हैं। मैं आपको साड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है सर, ये चुनरी की साड़ी, बांधने की साड़ी बोलते हैं इसको। ये इस तरीके से इस पर बॉर्डर लगा दिया जाता है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी कलर खूबसूरत, इसमें हाँ कलर आएंगे सर, अलग अलग कलर आएंगे इसके अंदर। इसमें डिज़ाइनें आती है सर, ये देखिए जैसे ये 10 डिजाइन का एक कैटलॉग आता है, 12 डिजाइन का, ये अलग अलग। तो ये एक ऐसा बैग अगर कस्टमर ले लेता है हाँ। तो इसमें 12 साड़ी उसको मिली, 12 डिजाइन की, अच्छा पूरा कलेक्शन मिल गया रिटेलर को। इससे तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, 120 साड़ी उसको मिल गई 120 डिजाइन की, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है रिटेलर के लिए। साड़ी है जो ज्यादा पसंद की जा रही है हाँ, जैसे अभी बांधनी वगैरह बहुत अच्छा ट्रेंड में है। अच्छा मैरिज सीजन है ना सामने, तो उसके हिसाब से बांधनी वगैरह का ट्रेंड काफी अच्छा चला हुआ है। ये जो तीनों सेक्शन में सामने दिखा रहा हूँ, दिखाई कैमरा वहाँ पर भी तीनों सेक्शन, ये तीनों सेक्शन यही है, ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड के ऊपर वैल्यू एडिशन है। आपको यहाँ आना है अपने कलर के हिसाब से चॉइस करनी और माल लेके जाना है, बस बिल्कुल एकदम बिल्कुल, और हमारे बंदे गाइड करेंगे वो अलग है। तो लोगों को अजमेरा फैशन से ही क्यों जुड़ना चाहिए, क्या खासियत है अजमेरा फैशन की, आपके मुंह से बताइए क्योंकि मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे बड़ा चढ़ा कर बता रहा है, आप खुद बताइए कि अजमेरा फैशन से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए। हमारी ऑनेस्टी हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, बिल्कुल सही, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्वालिटी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सर। हमारा कस्टमर हमको बोलता है आप 5 रुपये ज़्यादा लीजिए लेकिन क्वालिटी और इससे अच्छी दीजिए, तो फिर मैं घटिया क्वालिटी बना के अपना नाम क्यों खराब करूँ। आज सर मैं अपने मुंह से बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, नंबर वन आप हमको कह रहे हैं तो हम अपनी तो ठीक है लेकिन लोगों ने पहुंचाया है हमें यहाँ, पूरा 2 कलरों को जोड़ के साड़ी बनाई हुई है, पूरा जोड़ तोड़ की साड़ी है। इसे भी पसंद किया जा रहा है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा किया जा रहा है। देखिए सर ये साड़ी में ये कुछ इस तरीके की साड़ी लगेगी पहनी हुई, ये साड़ी आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये देखिए यूनिक चीज है एकदम डिफरेंट, फ्रिल साड़ी बोलते हैं इसको। कोई आपसे जुड़ता है तो उसको बिजनेस से शुरुआत से लेकर आखिर तक बिजनेस सेटअप करने में आपकी तरफ से सपोर्ट किया जाता है? 100% सर। हाँ। सर कपड़ा तो डीलर होलसेलर बेच ही रहे थे सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कोई जरूरत नहीं थी हमको कि रिटेलर को कपड़ा, लेकिन जब इतना प्यार मिलता है ना सर तो इच्छा करती है कि भाई यार वो 25 साल पुराना जो कपड़ा बेचे बेकार किया सर, ऐसे लोगों को ही कपड़ा बेचना चाहिए था, एक एक रिटेलर को कपड़ा बेचना चाहिए था। सम्मान भी मिलता है? बिल्कुल सम्मान मिलता है सर, इतना प्यार देते हैं लोग, इतना प्यार देते हैं, मैं नीचे कमेंट जब पढ़ता हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है कि नहीं यार सही काम अब कर रहे हैं, अब आज तक तो बेकार ही किया जो कपड़े तो बहुत बेच रहे लेकिन बिजनेस के साथ उसको गाइड करना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अभी ये पीछे जो डिपार्टमेंट दिख रहा है सेम है? हाँ सेम नहीं है सर, अलग है। उसमें जैसे जोड़ तोड़ करके डिजाइने बनाई हुई थी, अलग अलग कपड़ों को ज्वाइंट करके डिजाइन बनाई हुई थी, ये पूरा एक कपड़ा है। अच्छा। पूरी साड़ी एक की है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी मैं साड़ी आपको खोल के दिखाता हूँ, ये ऐसी साड़ी होती है सर, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई साड़ी रहती है, ये देखिए जरी और धागे का वर्क रहता है, जॉर्जेट कपड़ा है, ये पूरी साड़ी के अंदर ऐसा वर्क इसमें रहता भी है कलर आएंगे। बिल्कुल इसमें अलग अलग कलर आते हैं जॉर्जेट। अच्छा ये जॉर्जेट कपड़ा है। स्टार्टिंग रेंज? स्टार्टिंग रेंज सर इसकी आप ये समझ लीजिए 150 रुपये से स्टार्ट होकर के हमारे पास में 3,500-3,000 रुपये तक की रेंज है। इस प्रकार की साड़ी तो 700-800 में हमारी रेंज में सेल होती है, मैंने देखी है। कम रेंज में है हाँ। बिल्कुल ये लो रेंज में है। हैवी साड़ी जाएंगे तो ये इस टाइप की दुल्हन वाली रेंज आ जाएगी सर उसके ऊपर। जी जी बिल्कुल। ये पूरा हैंड वर्क के साथ काम किया हुआ है, पहले मशीन वर्क किया है, उसके ऊपर एक 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 डायमंड चिपकाए हुए हैं सर हाथ से। अच्छा पूरा कलेक्शन आप देखिए। इसकी स्टार्टिंग रेंज कितनी है सर? इसमें 800-900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ब्राइडल के अंदर, और 3,000-3,500-4,000 रुपये तक की ब्राइडल पे मिल जाएगा कलेक्शन। ये देखिए दिखाइए, ये पूरा जो ये शाइनिंग आप देख रहे हैं ना हाँ, ये पूरा सर हाथ से किया हुआ काम है, ये पल्ला है साड़ी का हाँ, ये बॉडी हो गई और ये पाटली में आएगा एकदम स्पेशल, जो 1 मिनट साड़ी बोलते हैं ना हाँ, ये वही है सर।
भैया एक बार आगे आके दिखाएं दर्शकों को, क्लोज क्लोज लीजिए जी, ये पूरा हाथ से चिपकाए हुए हैं, एक एक डायमंड हाथ से चिपकाए हुए हैं सर। इसकी स्टार्टिंग रेंज कितनी है सर इसमें? इसमें भी रेंज तो सर काफ़ी है, नीचे से मैं आपको बताऊं तो वही 1000-1000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है इसकी रेंज हैंड वर्क की, और 4000-5000 रुपये तक की रेंज आती है। बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका सर फैब्रिक? ये फैब्रिक बलाटन। अच्छा, ये बलाटन पे है, ये पूरा हैंड डाइंग होता है, नायलॉन जिसको बोलते हैं ना, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये अलग से किया हुआ है रेड कलर, पूरा पल्ले के ऊपर और पूरा साड़ी के ऊपर, ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है। सेम इसका कॉन्ट्रास्ट फिर ब्लाउज आएगा, ये देखिए ये इसका ब्लाउज है। मैंने सुना है कि सूरत में कुछ लोग वीडियो में दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। अपना अजमेरा का कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जो है सामने है वही चीज़ है, देखने को मिलेगी आपको। इतना हो सकता है कि हमारे यहाँ कलेक्शन क्या चेंज होते से रहता है सर, हर 3-4 दिन बाद में आपको नया कलेक्शन मिलेगा। तो आज आप वीडियो शूट कर रहे हैं, कई कस्टमर की कंप्लेंट मेरे पास भी आई थी कि सर आपने जो उस वीडियो में दिखाया है वो आप दिखाई नहीं रहे हैं, तो सर पुराना वीडियो रहता है तो वो कलेक्शन आपको 10 दिन बाद नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए उसका कोई हमारा ऐसा तात्पर्य नहीं है कि हम किसी को चीट कर रहे हैं, दिखाएं कुछ और दें कुछ। आप सेम डे अगर वीडियो जिस दिन डलता है उसी दिन आप उसकी डिमांड करेंगे तो वो ज़रूर मिल जाएगा। ये 100% कॉटन आता है सर, ये देखिए ये कॉटन की साड़ी है, प्योर कॉटन आता है इसके अंदर। खोलकर दिखाइए, इसकी रेंज सर? कॉटन की हमारे पास जो रेंज शुरू होती है सर वो 140 रुपये से स्टार्ट होती है, 140 सर, प्योर कॉटन सूती साड़ी जिसको बोलते हैं सर, 140 रुपये से स्टार्ट होकर 500 रुपये तक की प्योर कॉटन की रेंज आती है। प्योर कॉटन में फिर वर्क अलग रेंज आती है, इस तरीके से ये चीज़ मैंने बहुत ही इसमें पूरा कलेक्शन है प्योर कॉटन का। इसमें सिंथेटिक कॉटन भी आता है और प्योर कॉटन भी आता है, अलग अलग डिज़ाइन आएगी। बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन, बहुत ढेरों डिज़ाइन है सर, इतना वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आगे चलते हैं अपन, मैं आपको दिखाऊँ लहंगे का सेक्शन। आइए, दुपट्टा वगैरह है सर जो आजकल शादी के बाद दुल्हन ओढ़ती है, तो ये दुपट्टे यूज़ होते हैं, ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे पास में स्पेशल लगन के लिए। ठीक है, ये माता की चुनरी जो माता के ऊपर चढ़ाई जाती है, बाकी ये लहंगे का पूरा कलेक्शन है जो भी आप देख रहे हैं। क्या तो लहंगे ही लहंगे भर पड़े सर? बिल्कुल 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 सर, जो 25,000-30,000-50,000 रुपये में बिकता है सर, यहाँ 2,000-2,500-3,000-4,000 रुपये के अंदर सर एक एक लहंगा, लगभग 5-5 गुना भी मुनाफा कमाया जा सकता है इस बिजनेस में। पर्टिकुलर चीज में ऐसा होता है सर, ये लहंगा देखिए सर, लाजवाब लहंगा। सर एक खोलकर दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर क्यों नहीं, मनोज खोलिए। क्योंकि लड़कियां आजकल लहंगे पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि कॉलेज की भी है और शादी जिनकी है वो भी। हाँ, दुल्हन तो पहनती है, उसकी सहेलियाँ भी लहंगा पहनती है, गर्लिश लहंगा जो बोला जाता है। हाँ। यहाँ पे दो बोलते हैं, एक ब्राइडल हो गया, एक गर्लिश हो गया। अच्छा। ब्राइडल हो गया दुल्हन के लिए और गर्लिश जो लहंगा होता है वो सहेली। लहंगे सीजन के टाइम में बेचे जाते हैं, ऐसा नहीं है अभी? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आजकल तो हर फंक्शन में लड़कियाँ पहनने लग गई है सर। अगर आप ऐसे दो तीन लहंगे भी दोस्तों अगर आप सेल करोगे, 1000-2000 भी एक लहंगे के पीछे आप मुनाफा रखोगे, तो दिन के 5-5 हज़ार भी आप कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं सर, और मैरिज सीजन के अंदर तो इतना जबरदस्त बिकता है सर कि पूछिए मत बात, यानी इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम आ चुके हैं कुर्ती डिपार्टमेंट में सर, अब यहाँ पर किस प्रकार की कुर्तियाँ हैं? ये सर कुर्तियाँ सब रेंज की मिलेगी, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जो हमने मैनीक्विन को पहना के रखी है, पूरा ये कैटलॉग है, ये बनारसी दुपट्टा है उसके साथ, बहुत ही प्यारी चीज है सर। कुर्ती में स्टार्टिंग रेंज क्या है सर? कुर्ती 100 रुपये से स्टार्ट है, 100 रुपये से स्टार्ट है, 100 रुपीज से स्टार्ट होके कुर्ती हमारे पास में लगभग 2,500 रुपये तक की कुर्ती हमारे पास मिल जाएगी सर। हर प्रकार की मिलेगी आपके हर पास? तरीके का कलेक्शन मिलेगा, रेयोन है, साना है, जॉर्जेट है, वेटलेस है, सभी के ऊपर आपको रेंज पूरी मिल जाएगी। साथियों अगर आप कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सर के पास सूट मिलेंगे, कुर्तीज मिलेंगे, साड़ियाँ मिलेंगी, ब्राइडल साड़ीज मिलेंगी, हर प्रकार का माल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। इसे क्या कहते हैं सर? ये देखिए ये रेयोन के ऊपर है सर, 14 किलो रेयोन के ऊपर कुर्ती बनाई है, ये साथ में प्लाजो आता है इसके, ये भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है सर, ये अलग अलग तरीके से हम लोग देते हैं, कई आता है काजू के साथ आता है, कोई ओनली कुर्ती आती है, जैसे ये देख रहे हैं आप सामने, तो ये ओनली कुर्ती है, ओनली कुर्ती है, बिल्कुल ये सिर्फ कुर्ती है, देखिए
लॉन्ग कुर्ती जिसको बोलते हैं ना, कलर्स आएंगे इसमें। कैटलॉग सिस्टम भी आता है, कलर सिस्टम भी आता है। अगर कलर लेना चाहते हैं तो कलर मिल जाएंगे, कैटलॉग वाला लेना चाहते हैं तो कैटलॉग भी मिलेगा, कैटलॉग में अलग अलग डिजाइनें मिल जाएगी। अभी हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी आ चुके हैं अजमेरा फैशन में। कहाँ से सर आप? लखनऊ से, यूपी। नाम क्या है आपका? सौरभ टंडन। अभी ये बताइए हमारे सारे दर्शकों को कि आपने अजमेरा फैशन क्यों चुना? मार्केट में तो यहाँ सूरत में 100,000 दुकान है, फिर भी 100,000 में से एक ही क्यों? अजय सर की जो बातें हैं और यहाँ पर एक विश्वास है, और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, वो एक जगह खींच लाती है आदमी को। और बाई नेचर भी अजय सर का बहुत अच्छा है, और वैरायटी तो समुंदर समझ लीजिए, कह दीजिए समुंदर है अजमेरा फैशन। और प्राइस रिजनेबल हैं, और तो चिराग मतलब सूरज को दिया दिखाना है, इसलिए से ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। सोलह आने खरा है, 16 आने से ज़्यादा खरा है। सबसे आखिर में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि खाली ना बैठें, कुछ काम करें, बिजनेस करें, या कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें। देखिए नौकरी नौकरी होती है, इसके लिए एक छोटी सी बात किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है, मैं दोहराना चाहूँगा उस बात को, जिनको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पे भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। बिल्कुल सही। साथियों आपको भी अगर कपड़ों का व्यापार शुरू करना है तो सर की कंपनी का नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, एड्रेस भी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट अजमेरा फैशन आना है, क्योंकि नीचे बहुत सारे बिचौली है, दलाल है, ऑटो वाले भी है, आपको उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।